अवतार में हर बाबा की जय हरि परमात्मा ला और मस्त दान हो जय में हर साहिबे जमा जय जय निराली शान हो जय भक्त न के मस्त न के खेचलाते जो उन्हें भूलो कपर न उनकी सिर लगाओ खेलाओ प्रेम के उनके सहारे मेरे को मैं पाय जाऊं अवतार मेहर बाबा की जय संकल्प मेहर ने अवतार मेहर बाबा के संबंध में मुझे आ आए हुए अनुभव आपसे शेयर करने में जो प्रेरणा और प्रोत्साहन दिया इसलिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ मैं प्रोफेसर केशव कुवारे देवली से अपने अवतार मेहर बाबा के संबंध में आए हुए अनुभव बाबा प्रेमियों से शेयर करना चाहता हूँ पूर्वापार हमारा परिवार श्री विठ्ठल भक्ति में आस्था रखने वाला होने के कारण महाराष्ट्र का वारकरी संप्रदाय तथा संत परंपरा से जुड़ा रहा मराठी साहित्य में रुचि होने के कारण मराठी भाषा की वांग्मय पारंगत पदवी 1976 में हासिल की महाराष्ट्र के सभी संतों के तत्व ज्ञान से मैं भली भांति वाकिफ था ईस्वी सन नाइनटीन में देवली नगर के ख्यात कीर्त महाविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर मेरा चयन किया गया अध्ययन अध्यापन का कार्य बिना रुके चलता रहा ऐसे में 1992 में अवतार मेहर बाबा का नाम देवली नगर में ही मुझे सुनने को मिला अनेकों बार मुझे यह सवाल पूछा गया कि मैं बाबा की ओर कब और कैसे आया घटना ऐसी घटी विदर्भ रिजन के इसी देवली नगर में सबसे पहले देवली नगर के बाबा प्रेमियों द्वारा 1992 में अखिल भारतीय मेहर प्रेम सम्मेलन का आयोजन किया गया था इंडियन यह, यह प्रेम सम्मेलन था देश के विविध प्रांतों से इस अवसर पर निमंत्रित बाबा प्रेमियों का देवली नगर में आगमन हुआ था जहाँ तक मुझे याद है कार्यक्रम हेतु पधारे हुए बाबा प्रेमियों में डॉक्टर भारूचा जी डॉक्टर जयशन मूर्ति डॉक्टर आर पी राव डॉक्टर गौरीशंकर जी दुबे श्रीमती कुसुम होकम सिंह और कई नामी गजल गायक उपस्थित थे श्री अन्ना साहेब खंडाले जी प्रमुखता से उपस्थित थे महाराष्ट्र के पुना से श्री मधुसूदन जी पुंड और उनका संच खासकर उपस्थित था अपने नाटकीय ढंग से संचालन की बागडोर डॉक्टर गौरीशंकर दुबे जी ने संभाली थी प्रमुखता से प्रियतम मेहर बाबा की उपस्थिति का एहसास बाबा प्रियम के अलावा मुझे भी होने लगा था तीन दिन देवली नगर का वातावरण एकदम प्रसन्न था मुझे भी प्रसन्नता का एहसास होने लगा इस प्रेम सम्मेलन में बाबा की जीवनी पर जो वार्ताएं दी गई मैं खुद भी उससे बहुत प्रभावित हुआ उसी क्षण से मैं मेहर बाबा से जुड़ गया कहते हैं कि बाबा की इच्छा के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता इस युग के अवतार मेहर बाबा अवतारी कार्य 31 जनवरी उन्नीस उनहत्तर तक करते रहे इस दौरान हमारे जैसे बाबा प्रेमी इस धरा पर मौजूद थे मेहर बाबा से जुड़ने के लिए हमें 1992 साल का इंतजार करना पड़ा 1993 थ्री ईस्वी में प्रथम समाधि पर माथा टेकने का अवसर मुझे बाबा की कृपा से ही मिला पहली बार जब हम अमर तिथि कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए मेहराबाद पहुंचे बाबा समाधि का दर्शन लेने हेतु हम कतार में खड़े हो रहे उसी कतार में एक महिला अपने दो छोटे बच्चों के साथ खड़ी थी रात का समय था छोटा बच्चा उसकी गोद में सो रहा था दूसरा बच्चा करीबन चार या पांच साल का होगा देर रात का समय होने की वजह से नींद से वो बच्चा परेशान था बड़े बच्चे को वह महिला थोड़ा आगे ले जाकर बिठाती थी वापस जहाँ पर वह खड़ी थी वापस आ जाती थी दूसरे धार्मिक स्थल पर अगर दूसरी महिला होती तो वह अपने बच्चों के साथ देझक आगे जाकर अपने आराध्य का दर्शन लेती मगर इस महिला ने ऐसा नहीं किया वह महिला असहाय होती हुई भी समझदार थी और बाबा के प्रति समर्पण भाव रखने वाली थी जब इस महिला ने समाधि पर माथा टेका होगा बाबा ने उसे अवश्य दर्शन दिया होगा उस महिला के इस बर्ताव से मैं बहुत प्रभावित हुआ यह अनुभव मैं अब तक भुला न सका जो बाबा प्रेमी बाबा को सच्चे दिल से प्रेम करते हैं उन्हें बाबा अवश्य मदद करते हैं मैं पहली बार देवली के बाबा प्रीमियम के साथ धाम नौरंगा में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने हेतु रात सात बजे नागपुर रेल स्टेशन पर पहुंचा जिस दिन हमें धाम नौरंगा के लिए निकलना था उसी दिन भारत में रजिस्टर सभी कामगार संगठनाएं अपनी मांगे मनवाने हेतु दिल्ली के लिए प्रस्थान कर चुकी थी दक्षिण भारत से दिल्ली जाने वाली ट्रेनें नागपुर स्टेशन पर रुकती थी हर एक ट्रेन में पैर रखने तक की जगह नहीं थी ऐसे में रात के दो बजे त्रिवेंद्रम नई दिल्ली एक्सप्रेस स्टेशन पर आकर रुकी परिस्थिति जैसे की तैसी थी अपना मनोबल बढ़ाते हुए हम लोगों ने ऐसे तैसे तो ट्रेन में प्रवेश किया खड़े रहने के लिए तक की जगह नहीं थी जब हमने ट्रेन में प्रवेश किया तब मेरे हाथ में मेहर पुकार मासिक पत्रिका थी सीट पर बैठे एक महानुभाव की नजर उस पत्रिका पर टीक गई मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि उस परिचित अपरिचित महानुभाव ने मुझे सीट पर बैठने के लिए जगह उपलब्ध करा दी जहां ट्रेन में खड़े रहने तक की जगह नहीं थी हम सभी को बैठने के लिए जगह मिल गई मेहर बाबा अपने प्रेमियों की मदद हर विकट परिस्थिति में करते हैं ऐसा अनुभव हम सब बाबा प्रेमियों को मिला उसी सफर के दौरान हमें कब्रई से मेरस थाना जाना था बड़ी दिक्कत के बाद एक घोड़ा गाड़ी हमें मेहरस थाना जाने के लिए उपलब्ध हुई घोड़ा गाड़ी का मालक कड़क मिजाज का था मगर घोड़ा गाड़ी का घोड़ा बहुत ही कमजोर था सिर मेहरस थाना मेहर मेहरस थाना पहुंचा देने की शर्त पर घोड़ा गाड़ी का मालक अड़िक था वहां रुकने के लिए बिल्कुल ही तैयार नहीं था हमें वापस कब्र आना था रास्ता खस्ता हाल था घोड़ा कमजोर था घोड़ा गाड़ी में केवल हमारा सामान ही रखा गया था हम सब लोग पैदल ही चलते रहे जब हम निगम जी के घर पहुंचे तो हमें पता चला कि कुछ दिन पहले पहले ही उनके पोते का निधन हुआ था अपना दुख पीछे छोड़कर निगम जी हमारे साथ बाबा की कुटी तक आए थे घोड़ा गाड़ी वाला भी हमारे साथ था कुटी से वापस आने के बाद निगम जी ने हमारे भोजन की व्यवस्था की निगम जी का यह प्रेम पूर्ण व्यवहार देखकर घोड़ा गाड़ी वाला बहुत प्रभावित हुआ हमारे साथ उसने भोजन तक किया और कहने लगा कि आपको जितना रुकना है उतना समय रुकिए मैं भी आपके साथ रुकूंगा बाबा ने खुद उसका हृदय परिवर्तन किया था बाबा की लीला आगाध है हम सब उसके साक्षीदार हैं साल 2000 में वर्धा के बाबा प्रेमियों ने मेहर मिलन महोत्सव का आयोजन किया था इस महोत्सव के प्रमुख अतिथि के रूप में पीपीसी ट्रस्ट के चेयरमैन आदरणीय भाउजे कचूरी वर्धा पधारने वाले थे मेहर मिलन महोत्सव का लाभ उठाने हेतु देश विदेश के बाबा प्रेमी भाऊजी के साथ आने वाले थे जबकि भाऊजी की तबीयत क्रि 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 क्रिटिकल दौर से गुजर रही थी भाऊजी अहमदनगर से वर्धा कौन से रूट से आने वाले हैं इस बारे में हमने आ, अन्ना साहेब खंडाले जी से पूछताछ की तो उन्होंने हमें बताया कि हम अहमदनगर से अमरावती पुलगा देवली होते हुए वर्धा पहुंचेंगे। हमने उनसे कहा भाऊ जी से गुजरकर वर्धा जा रहे हैं तो चंद समय के लिए भाऊजी जी रुकते हैं तो हमें संतोष मिलेगा इस पर खंडाले जी ने हमें भाऊजी जी की तबीयत का वास्ता दिया मगर उन्होंने एक बात जरूर कही कि अगर बाबा की इच्छा होगी तो भाऊ जी रुक सकते हैं भाऊ जी का काफिला जब देवली के पुलगांव चौक पर रुका तो हमने भाऊ जी का तहे दिल से स्वागत किया हमने उन्हें देवली के अवतार मेहर बाबा केंद्र पर कुछ समय के लिए चलने को कहा तो भाऊजी ने हमारे विनंती का मान रखा केंद्र पर आए खंडाली जी के विरोध के बावजूद भाऊजी ने वार्ता दी हमें परम संतोष मिला फलाहार करने हेतु भाऊजी और उनके साथ आए हुए सभी बाबा प्रेमी मेरे घर पधारे भाऊ जी के चरणों का स्पर्श मेरे घर को होगा कभी नहीं सोचा था खंडाली जी ने बाबा की इच्छा का वास्ता दिया था वह खड़ा उतरा मैं और मेरा परिवार धन्य हो गया संकल्प मेहर का मैं विशेष आभारी हूँ, और खासकर अरुण राव भेंडे ने मुझे अपने अनुभव शेयर करने के लिए प्रोत्साहित करके मेरी मदद की इसके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ अवतार मेहर बाबा की जय